देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मुख्यमंत्री मौके का जायजा लेंगे। दो वाहनों के माध्यम से सभी के शवों को रवाना किया गया है। जौली ग्रांड एयरपोर्ट पर की जाएगी आगे कार्रवाई। बताते चले कि हिमालयन हेली हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम सभी शवों का पोस्टमार्टम भी करेगी। एक घंटे के बाद सभी शव पहुंच जाएंगे जौली ग्रांड एयरपोर्ट। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके के लिए रवाना हुए हैं। संपन्न हो गया, अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं, वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना ज़िला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है, 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा, तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गाँव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है, रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की, डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की, मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी, 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उन्होंने लगातार घटना के बाद चिंता की कि कैसे राहत और बचाव के काम ठीक हो, और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दिल्ली के डामता के पास 30 लोगों की जो सवारी वहां से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामता के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फोन आया था और फोन आने के बाद हम लोग उन्हें लगातार यहाँ पर बचाओ और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और SP को दोनों को वहाँ पर भेजा, पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी NDRF की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मृतक हमारे शव हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से, उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया है। जौली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं और